खबर मीडिया। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और ये शख्स ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस की कई बड़ी जानकारी रखता है, बल्कि इसको सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ और साथ ही सुशांत को कौन से लोग ड्रग्स दिया करते थे, ये सारी जानकारी इस शख्स को पता है। इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को किन लोगों ने खत्म किया और इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स पेडलर पड़ोसी को किया गिरफ्तार। 8 महीने से चल रहा था फरार। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के इतने दिनों बाद एक बार फिर से ड्रग्स का मामला मीडिया में छाया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के वक्त भी ड्रग्स को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बॉलीवुड से कई कनेक्शन भी निकलकर सामने आए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन एक बार फिर से ड्रग्स का ये मामला लाइमलाइट में आ गया है। अब ये खबरें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स को एनसीबी ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने धर दबोचा है। सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसी ड्रग्स पेडलर साहिल शाह एलियस फ्लैको, जो कि 8 महीने से फरार चल रहा था, उसे एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि वो 31 साल के फ्लैको से पूछताछ करेंगे। एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि वो पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार आरोपी गणेश सिरे और सिद्धांत अमीन से 25 लाख रुपए मूल्य के 310 ग्राम मारिजुआना और 1.5 लाख रुपए की जब्ती के संबंध में फ्लैको से पूछताछ करेंगे। सिरे ने फ्लैको के संबंध में जानकारी दी थी और एनसीबी के अधिकारियों ने मलाड में उनके फ्लैट पर छापा मारा था, लेकिन वो लापता था। फ्लैको बुधवार देर रात एजेंसी के सामने पेश हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। फ्लैको अपनी पत्नी एक टेलीविजन अभिनेत्री के साथ दुबई में था, वो हाल ही में भारत लौटा है। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि फ्लैको का नाम तब भी आया था जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अगस्त 2020 में पहले दो आरोपियों करण अरोड़ा और अब्बास लखानी को गिरफ्तार किया था, लेकिन क्योंकि वो देश से बाहर था इसलिए उन्होंने ज्यादा पीछा नहीं किया और भारत में संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया। जबकि सेरे 2021 में एमपीएससी परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था और पुलिस उपायुक्त बनने का सपना देखा था। सिद्धांत अमीन पारेल के कॉलेज का छात्र था। ड्रग्स पेडलर साहिल शाह एलियस फ्लैको की गिरफ्तारी होने के बाद कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। एनसीबी फ्लैको से क्या पूछताछ करती है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि इसमें उन पन्नों को भी खोलने की कोशिश की जाएगी जो अब तक खुल नहीं पाए थे। इसका मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सॉल्व होने के बहुत करीब है, क्योंकि एनसीबी की टीम ने एक और गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है एनसीबी की टीम के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए। अब सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत जल्द सुलझ सकता है, क्योंकि ये जो फ्लैको है इसको बहुत सारी जानकारी है और ये साहिल शाह फ्लैको कई बड़ी अपडेट सुशांत केस में दे सकता है और इसके बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।